इसके लिए न्यू न्यू मेडिसिन बनाया जाता है, इसमें नई दवाइयों का आविष्कार किया जाता है। सेकंड में है बेसिक रिसर्च, थर्ड देखते हैं इसमें जीनोम मैपिंग ऑफ सीक्वेंसिंग होता है, जिसमें डीएनए को बेस पेयर्स की मैपिंग, इसमें डीएनए के बेस पेयर्स को मैपिंग किया जाता है। फोर्थ में देखते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, इसमें इसमें बायो बायोकेमिकल टेस्ट रिएजेंट अभिकर्मक के लिए यूज किया जाता है, या डीएनए टेक्नोलॉजी की देन होती है। फिफ्थ में होता है इंडस्ट्रीज में, या जानवरों के लिए मेडिसिन बनाया जाता है और फूड प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, या बायो बायो विज्ञान में इसका यूज होता है। सिक्स में होता है क्या है मैम, एचआईवी में, एचआईवी में जो एचआईवी एचआईवी में बॉडी में जो प्रेजेंट एचआईवी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं, या देखने के लिए एचआईवी का उपयोग किया जाता है। सेवेंथ में बीटी नहीं, कॉटन होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ही यूज करके हमारी बॉडी में अगर एड्स का इंफेक्शन है, तो एड्स का इंफेक्शन रहेगा तो क्या रहेगा कि हमको ये डिटेक्ट करना रहेगा, जैसे कोरोना वायरस हुआ है, सामने वाले को सर्दी खांसी हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाएंगे तो क्या पता चलेगा सामने वाले की बॉडी में वो वायरस है या नहीं है। तो वही एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, एचआईवी एक वायरस होता है जिससे एड्स होता है, एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उसको यस डिटेक्ट करने के लिए भी मैम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एक देन है जिसका नाम है एलाइजा। एलाइजा आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग के सिलेबस में है। एलाइजा जो है एक टेक्निक है जिसके द्वारा एचआईवी टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, कैसे होता है यूज, ये मैं आप लोग को जब एलाइजा पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। फिलहाल तो ये आप लोग जान लीजिए कि एलाइजा जो है ये भी आप लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ही देन है, कि उसके फलस्वरूप ही ये हमको एलाइजा टेक्निक पता चली है और एलाइजा से हम लोग कर सकते हैं काम अपना। किसका क्या चीज में, एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, एड्स का टेस्ट करने के लिए। हाँ बोलो बेटा आगे। फिर सेवेंथ नंबर में बीटी कॉटन आता है, यह कपास में यूज किया जाता है और एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है इसका। और एट नंबर में है इंसुलिन प्रोडक्शन में, इसमें यह डायबिटीज शुगर वाले पेशेंट के में वह बीमारी है या नहीं, यह देखने के लिए इंसुलिन प्रोडक्शन का यूज किया जाता है। फिर ना नाइन्थ ना ना, नंबर इंसुलिन में है, प्रोडक्शन नहीं, देखो देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है। जो इंसुलिन होता है हमारा, इंसुलिन के बारे में बता देती हूँ। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो क्या करता है, जब हमारी बॉडी में हम कोई भी चीज खाते हैं, जैसे हम शुगर कंटेंट ले रहे हैं, जैसे हमने चावल खाया, दाल खाया, रोटी सब्जी जो भी खाया, जिस भी खाने में आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज से मिलकर बना है, आपके ग्लूकोज से, ठीक है, तो ग्लूकोज से मिलकर बना है, मतलब वो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जैसे भी आप कोई भी चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जब आप लेते हैं बॉडी में, तो उसे मेटाबोलाइज करने का काम करता है ये इंसुलिन, ठीक है। तो ये जो मेटाबोलाइज काम करता है इंसुलिन, तो मेटाबोलाइज करना मतलब इसको ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ता है। कौन तोड़ता है, ये इंसुलिन तोड़ता है। उसके बाद हमको क्या प्राप्त होता है, एनर्जी मिलती है। लेकिन जब इंसुलिन की कमी होने लगती है बॉडी में, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास से निकलने वाला हार्मोन है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको फर्स्ट ईयर में ना, पैंक्रियाटिक हार्मोन है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है, अगर इंसुलिन की कमी होने लगी या किसी कारणवश इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा, इंसुलिन की मात्रा कम हो जा रही है, तो क्या होता है कि उन लोग की बॉडी में हम तो खाना खाना बंद नहीं करेंगे, अब हम तो कार्बोहाइड्रेट खा ही रहे हैं, लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल जो है, रक्त शर्करा का जो लेवल है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हाई शुगर वाले, एक हाई शुगर वाले होते हैं, एक लो शुगर वाले होते हैं, ठीक है, और कई बार हाई शुगर वालों को लो शुगर भी हो जाता है। तो हाई शुगर मतलब ब्लड में शुगर का मात्रा अति में बढ़ जाना, अत्यधिक बढ़ जाना। तो अत्यधिक बढ़ता है क्यों, क्योंकि इंसुलिन वहां काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए उन पेशेंट्स को जो हाई शुगर वाले रहते हैं, उन लोग को बाहर से मतलब अपने डॉक्टर से सजेशन लेकर इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना होता है, या फिर कुछ दवाइयां खानी होती है जिसमें इंसुलिन
होता है प्रेजेंट, ताकि इंसुलिन हमारी बॉडी में पहुंचे और वो जो हमारी बॉडी में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाने का काम करे, मतलब मेटाबोलाइज करे। ये तो इंसुलिन के सोर्स के रूप में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इंसुलिन को निर्मित करने के लिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी को। तो ये चीज मैंने बताया था कल। अब इंसुलिन के बारे में भी पता चल गया होगा आप लोग को, ये बहुत अच्छा चीज है, जनरल नॉलेज की चीज है कि इंसुलिन क्या होता है, क्या काम करता है करके पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि वाइवा में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है इंसुलिन क्या है, क्या काम करता है करके। हाँ बेटा चलो आगे बोलो, फिर अपन फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 9th नंबर में टू करेक्ट जीन डिफेक्ट जीन थेरेपी, इसमें जो जीन होता है वह डिफेक्ट होता है तो उसको देखने के लिए हम जीन 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 थेरेपी का यूज किया जाता है। तो मैम बस वेरी इतना ही गुड, पता है। चलो वेरी गुड बेटा तानिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। चलो अच्छा है, ऐसे ही आप लोग सब लोग कीजिए, क्योंकि मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ना चाहिए, आप लोग खुद इंटरेस्ट लेके बोलिए। इससे क्या है ना, कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि वाइवा होता है तो सामने एक्सटर्नल के बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। जैसे मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग फ्री होके बता रहे हैं, वैसे वहां भी बताइए, नंबर अच्छे मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल्स में कम नंबर मिले हैं, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्टअप होगा। चलो तो आप लोगों का आज का जो टॉपिक है और आज की क्लासेस में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जीन क्लोनिंग। अब आप लोगों का जो पेपर टू का जो फर्स्ट टॉपिक है, उस फर्स्ट टॉपिक में क्या चीज था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग के बारे में हमको पढ़ना था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना था, और साथ ही साथ हमको ये भी जाना था इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों को जानना था, ठीक है, जो कि हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब जो है आप लोगों का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद इसी में ही आगे एक और चीज भी है, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जीन क्लोनिंग। तो आप लोग को ये भी पढ़ना है कि जीन क्लोनिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, लेकिन जीन क्लोनिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जीन क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है। तो आज हम लोग जीन क्लोनिंग के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का इसके स्टेप्स हो क्या क्या होते हैं वो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग हमको पता चलेगा तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि हाँ वैभव क्या बोल रहे हो, तुम्हारे आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा, क्या हुआ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से बेटा? लीव करके फिर से ज्वाइन करो उसी लिंक से, मीटिंग लीव करो फिर से ज्वाइन करो। बाकी सबको दिखाई दे रहा है ना बच्चे लोग, बाकी सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है? यस मैम, बोर्ड ब्लर दिख रहा है मैम, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा बेटा क्योंकि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन रहती है, वो डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क इसलिए आपका भी अच्छा रहना चाहिए और मेरा भी अच्छा रहना चाहिए, तब जाके एकदम क्लियर दिखाई देगा। चलो तो फिर जीन क्लोनिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब से जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉलर माइक में आप लोग मुझे कुछ बोलते थे, मुझे सुनाई देता था नहीं देता था, लेकिन ईयरफोन की वजह से अब सुनाई देगा अच्छे से। तो जीन क्लोनिंग क्या होते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज जीन क्लोनिंग। तो किसी पर्टिकुलर कोई भी जीन या फिर डीएनए, और डीएनए जीन या डीएनए किसी पर्टिकुलर जीन या किसी पर्टिकुलर डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज बनाना, कि हमको जैसे मैंने एक जीन आपको दिया और बोला कि मुझे चार कॉपीज चाहिए इस जीन की, जैसे आप लोग फोटोकॉपी करवाते हैं ना, एक पेपर आते हैं चार चार फोटोकॉपी कर दीजिए, तो जीन का किसी पर्टिकुलर जीन का या किसी पर्टिकुलर डीएनए का
एग्जैक्ट कॉपीज बनाना, क्या चीज यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को यूज करके किसी पर्टिकुलर जीन या किसी पर्टिकुलर डीएनए की कॉपीज बनाना, एग्जैक्ट कॉपीज बनाना, प्रोडक्शन करना उसका, और उसको निर्मित कर रहे हैं ना हम लोग, कॉपी बनाने में निर्मित कर रहे हैं। जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेशन में हम क्या करते थे, डीएनए की कॉपीज बनाते थे तो नया डीएनए निर्मित करते थे, उसी प्रकार हमको क्या करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम लोग जीन, किसी पर्टिकुलर जीन या किसी पर्टिकुलर डीएनए का कॉपी बनाना है, प्रोडक्शन करना है उसका, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग को के टेक्निक को यूज करके किसी पर्टिकुलर जीन या किसी पर्टिकुलर डीएनए की के कॉपीज का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, तो वो टेक्निक हमारी कहलाती है जीन क्लोनिंग। हम क्लोन बना रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा क्लोन है तो फिर मेरे जैसा एग्जैक्ट पर्सन आपके सामने खड़ा रहेगा, आप पहचान नहीं पाओगे कौन मैं, कौन असली वाला है कौन नकली वाला, तो क्लोनिंग हो रहा है। तो जैसे ये एक आपके पास जीन है, ये आपके पास एक डीएनए है, आपने इस डीएनए का एग्जैक्ट कॉपीज बना लिया, क्लोनिंग कर लिया, किस कौन से टेक्निक यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग। द टर्म जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग और डीएनए क्लोनिंग या फिर मॉलिक्यूलर क्लोनिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये चार टेक्नोलॉजी सेम है, नाम अलग अलग है लेकिन सभी एक ही चीजें हैं। क्या क्या है ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन दूसरे नामों से भी पूछा जाता है। पहला है जीन क्लोनिंग, जो हम अब मैंने अभी जस्ट बोला आप लोगों को, चाहे वो हो डीएनए क्लोनिंग, चाहे वो हो आप लोगों का मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, या फिर आपका हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये चारों चीजें सेम है, ठीक है। द टर्म जीन क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑल रिफर टू द सेम टेक्निक। ये चारों के चारों सभी सेम टेक्निक्स हैं, ठीक है, चारों के चारों सेम टेक्निक्स हैं। अब ये सेम टेक्निक हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि सब में क्या हो रहा है, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बन रही है, हम डीएनए को निर्मित कर रहे हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हमने क्या देखा कि दो अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को लेकर हमने क्या किया, उसको कंबाइन करके नया डीएनए बनाया, उसकी कॉपी बना के फिर हमने क्या किया, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया, तो उसमें भी तो अल्टीमेटली हम डीएनए निर्मित कर रहे थे ना। तो ये सभी जो प्रोसीजर्स हैं ये सभी सेम टेक्निक को ही बोलते हैं हम लोग, ऑल रिफर टू द सेम टेक्निक। व्हेन डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म ऑल इट्स जीन्स आर ऑब्टेन्ड इन जीन डीएनए क्लोनिंग अ पर्टिकुलर जीन इज कॉपीड फॉर्मिंग क्लोन्स। जब कभी भी किसी भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है किसी से, डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट्स, इसका मतलब प्लांट से उसके डीएनए को बाहर निकालना, अलग करना। डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एनिमल सेल, मतलब एनिमल सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब बाहर निकालना, अलग करना, ठीक है। तो डीएनए को जब कभी भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से बाहर निकालते हैं, किसी भी जीव से हम जब बाहर निकालते हैं डीएनए को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको पूरे जीन्स प्राप्त हो जाते हैं, उस डीएनए में जितने भी जीन्स होते हैं वो पूरे हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब जीन में जो है, इन जीन क्लोनिंग अ पर्टिकुलर जीन इज कॉपीड फॉर्मिंग, मतलब अगर आपका ये डीएनए है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म था, जैसे एक मान लीजिए कोई मछली ही थी जिसके जिससे आपने क्या किया, डीएनए को अलग कर दिया। अब आपके पास इसका डीएनए प्राप्त हो गया, अब आपने क्या किया, इस डीएनए को जैसे ही अलग किया तो आपके पास इस डीएनए के पूरे जीन्स आ जाएंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर जीन को आपने लेकर उसकी कॉपी बनाई, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लोनिंग कहलाता है ये प्रोसीजर। जब हम किसी जीन का कॉपी बनाते हैं, नए प्रोडक्शन करते हैं, और एक जीन से हमने
तीन अलग अलग जीन बना लिए, उसी प्रकार के तीन नए जीन बना लिए, वही सेम कॉपीज, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, क्लोनिंग कहलाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लोन्स बन रहे हैं जीन के, जीन इज कॉपीड फॉर्मिंग क्लोन्स, जीन को कॉपी कर करके हमने क्या बना लिया, जीन के क्लोन्स बना लिए। क्लोनिंग इज वन मेथड यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो क्लोनिंग है हम क्यों कर रहे हैं, क्लोनिंग जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम कभी भी आइसोलेशन की प्रोसेस को हम कर सकते हैं, अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से या फिर किसी भी पर्टिकुलर किसी तरीके से हमको जीन को बाहर निकालना है, आइसोलेट करना है, अलग अलग करना है, डीएनए को अलग अलग करना है, तो हम उसकी कॉपी बना के आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेशन में हेल्प होती है, और साथ ही साथ एम्पलीफिकेशन में, अगर आपके पास सिर्फ एक ही जीन है, चाहिए आपको 10 जीन उसके साथ प्रयोग करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना बना कर रखेंगे और प्रयोग करेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इसके लिए भी आप क्लोनिंग यूज करते हैं। तो क्लोनिंग आपके एम्पलीफिकेशन के लिए भी, मतलब एम्पलीफाई करना मतलब नंबर में बढ़ाने के लिए भी, कॉपी बनाने के लिए भी, और आइसोलेशन करने के लिए भी। ये आइसोलेशन और ये एम्पलीफिकेशन हम क्यों करते हैं, हमारे चाहे गए जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमारे चाहे गए जीन को जिसके साथ हम प्रयोग करना चाहते हैं, उसके आइसोलेशन के लिए और उसके एम्पलीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम जीन क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, डीएनए क्लोनिंग कैन बी अचीव्ड बाय टू डिफरेंट मेथड्स, सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग और सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। अब अगर डीएनए की क्लोनिंग करना है तो दो मेथड्स होते हैं जिस डीएनए की क्लोनिंग करने के लिए। पहला मेथड होता है आपका सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग, और दूसरा मेथड जो है वो है आपका सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। सेल बेस्ड और सेल फ्री, ये दो आपके क्या है, मेथड्स हैं आपके डीएनए को क्लोनिंग करने के लिए। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, डीएनए क्लोनिंग हो या जीन क्लोनिंग हो या मॉलिक्यूलर क्लोनिंग हो या फिर वो रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी, सभी सेम टेक्निक ही है। अब अगर मैंने यहाँ पर यूज किया है डीएनए क्लोनिंग करने के दो मेथड है, तो मतलब वो किसके, जीन क्लोनिंग के भी और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के, तो क्लोनिंग के दो मेथड है, सेल बेस्ड वाला होता है एक और एक होता है सेल फ्री। एक में सेल यूज होगा, एक में बिना सेल के होगा। ठीक है, मेन हम लोगों को जो फोकस करना है जीन क्लोनिंग में, वो इसके स्टेप्स में फोकस करना है, क्योंकि आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को स्टेप्स को ज्यादा फोकस करना है कि जीन क्लोनिंग में कितने आप लोगों के स्टेप्स जो है वो होते हैं, उसको हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है। अब जीन क्लोनिंग अगर आपको करना है, तो जीन क्लोनिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, हम उसे देखते हैं पहले। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजों की होगी अगर जीन क्लोनिंग कर रहे हैं आप, अगर वो सेल बेस्ड मेथड है, सेल बेस्ड मेथड के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होगी उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी आपके एक डीएनए फ्रैगमेंट की। अब ये डीएनए फ्रैगमेंट क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट क्या है, जिसके पास आपका चाहे गया जीन है जिसे क्लोन करना है। आपके पास मान लीजिए कि बहुत सारे डीएनए हैं, लेकिन सिर्फ यही वाला जो डीएनए है उसके पास वो जीन है जिसको आपको क्लोनिंग करना है, तो वही वाला डीएनए आपका डीएनए फ्रैगमेंट कहलाएगा, जिसके पास आपका चाहे गया जीन रहेगा, डिजायर्ड जीन रहेगा जिसको आपको क्लोन करना है, तो वो वाला डीएनए का फ्रैगमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए हम लोगों को, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइगेज एंजाइम क्या करते हैं, हम तो पढ़ ही चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, पर्टिकुलर लोकेशन में कट मार्क करता है और डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देता है, और लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंड लाइगेज एंजाइम, ये दोनों एंजाइम की आवश्यकता होगी।
तीसरा किस चीज की आवश्यकता होती है देखते हैं। तीसरा है हमें वेक्टर की आवश्यकता है। वेक्टर क्या है? टू कैरी मेंटेन एंड रेप्लिकेट क्लोन्ड जीन इन होस्ट सेल। ये जो वेक्टर है हमारा वो माध्यम है, जो वेक्टर रहेगा ये हमारा वो माध्यम है जो क्या करेगा, जो हमारे जो जीन है जिसको हम क्लोन करके रखेंगे उसको अपने पास रखेगा, ये वेक्टर अपने पास कैरी करके रखेगा, अपने पास पकड़ कर रखेगा और साथ ही साथ उसे मेंटेन करके भी रखेगा ताकि उस जीन को कोई भी परेशानी ना हो, वो जीन जो है डैमेज ना हो वो मेंटेन भी करके रखेगा और उसी को वो क्या करेगा रेप्लीकेट करने का भी काम करेगा, कॉपी बनाने का भी काम करेगा। तो ये वेक्टर हमारे लिए एक माध्यम का कार्य कर रहा है, एक सूटकेस जैसा काम कर रहा है जो उसे रखेगा भी संभाल के, उसका उसको मेंटेन भी करेगा और उसको रेप्लीकेशन भी करेगा, ठीक है। और ये वेक्टर कहाँ रहेगा, और वेक्टर यहाँ किसके अंदर काम करेगा, वेक्टर हमारे होस्ट सेल के अंदर काम करेगा, जो हमारा होस्ट सेल है जिसके अंदर ये सभी चीजें होंगी, ठीक है, जिसके अंदर जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें भी क्लोनिंग करने के बाद हम ट्रांसफर करेंगे तो वेक्टर ही है जो जी क्लोन्ड जीन को अपने पास रखेगा, ठीक है, वेक्टर की आवश्यकता है। और चौथे नंबर पे हमको आवश्यकता है होस्ट सेल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्ट सेल क्या है आप सभी अच्छे से जानते हैं, होस्ट सेल मतलब जो आपका ग्राही है, ठीक है, ग्राहक है जो क्या कर रहे हैं, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है रेप्लीकेट होगा, होस्ट सेल के अंदर ही जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है मतलब जो क्लोनिंग की है वही आपका क्या होगा इसके अंदर रेप्लीकेट होगा। हमने यहां तक के तो पूरा प्रोसीजर कर लिया है, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहले हम कट मार्क लगाए, कट मार्क लगाने के बाद हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंबाइन किए दो डीएनए को, फिर दो डीएनए को कंबाइन करके हमने नया डीएनए बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद जो आखिरी स्टेप था वो क्या था हमारा, कि हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर करवाना था ना हमारे होस्ट सेल के अंदर, ताकि वो होस्ट सेल के अंदर जाके रेप्लीकेट हो, आगे का कार्य करे और हम देख पाए कि हमारे होस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो वो चीज जो है लास्ट स्टेप में आएगा आपका होस्ट सेल, होस्ट सेल वाला। तो बाकी ये कि चार चीजों की आवश्यकता होती है, पहला डीएनए फ्रेगमेंट जिसमें आपका चाहे गया जीन रहेगा, दूसरा आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन और लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता है, तीसरा आपका वेक्टर्स की आवश्यकता है, चौथा आपका होस्ट सेल की आवश्यकता है, ठीक है। अगर सेल बेस्ड मेथड कर रहे हैं तो ये आपके चार जो चीजें हैं उनकी आवश्यकता रहेगी, फोर रिक्वायरमेंट्स हैं। एक मिनट मैं टाइम देख लेती हूँ आप लोग का।